आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 रुपए बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले, और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं,
तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है, उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में दी, और आज देश में 1,000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, अब दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने।
सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, जग में बढ़ाओ देश का नाम।